नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपका साथी शिव कुमार मिश्रा। किसान आंदोलन 381वां दिन, कल 380 दिन हो चुके थे और विजय दिवस के साथ किसानों ने यहां से प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। आप सामने इधर देख रहे हैं मेरे, अगर राइट हैंड की बात करें तो रोड चल रहा है, इधर आपको दिखाएं तो मंच पर भी पूरा साफ कर दिया गया है। ये सामने आपको दिख रहा है, ये मंच है जहां से सभी किसान नेता इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर को संबोधित करते थे, ये वही मंच है। अब यहां कुछ नहीं है, रोड साफ है। आगे आपको उम्मीद है कि एक दो दिन में ये पूरा रोड, ये वो मंच है जहां गाड़ी आपको दिख रही है, वो गाड़ी सामान लोड कर रही है उस मंच का, जिस मंच पर आवाज लगाकर आवाज बुलंद की जाती थी और हजारों की तादाद में होता था किसान उन भाषणों के सुनने के लिए एग्री। अगर आप सीधे हाथ पे कैमरा जूम कराएंगे, लेफ्ट हैंड पे करिए, तो ये वो किसान का धरना स्थल है जो लोग एक एक करके पांडालों को खाली कर रहे हैं और ये आपको सामान ले जाते लोग दिख रहे हैं। अगर आप राइट हैंड, जरा कैमरा इधर घुमाइए, इधर है NH24 जिसका एक रोड खुला हुआ था और आज जिस रोड से हम ये आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं वो भी खुलने वाला है। मंच खाली हो चुका है, इक्का दुक्का ये टेंट रह गए हैं। इस पूरे बाकिये पर ये 26 नवंबर 2020 से शुरू हुए आंदोलन पे और आज 12 दिसंबर 2021 इस पूरे आंदोलन में जो 381वां दिन है, कल 382वां दिन, यानी कहा गया कि 15 तारीख तक लगभग यहाँ सारा सफाई हो जाएगी। इस सब पर बातचीत करेंगे हमारे साथ किसान नेता प्रबल प्रताप जी, वहीं दूसरे किसान नेता हुड्डा जी हैं, हरियाणा के रहने वाले और लोक दल के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, बड़े जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पूछेंगे इनसे कि इस एक वर्ष में और एक वर्ष से जो फालतू दिन में मिला क्या किसान को। हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक वर्ष से कुछ दिन ज्यादा हो गए, 381वां दिन है आज, कल 380वां दिन था जो आप विजय दिवस मना के वापस, मिला क्या, क्या देखा, क्या सीखा इस आंदोलन से? इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया है। कहीं ना कहीं किसान को यूं देखा जाता था, अरे गरीब सा, फटी सी धोती और ये वो। किसान ने इस देश को ये चलाया, दिखाया कि मैं एक साल क्या, दो साल क्या, दस साल क्या, सौ साल आंदोलन चला सकता हूँ। हम आज भी वही हैं जो मुगल कालीन में थे, जो सिकंदर के टाइम में थे, जो पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। हम आज भी वही हैं जो 1962 में चाइना के साथ जंगलों में पत्ते खा कर लड़ाई लड़ी थी। ये उसी किसान की लड़ाई है, उसी किसान के बेटे की लड़ाई है जो सदियों से भारत के लिए, भारत की संपन्नता के लिए, संप्रभुता के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देते आए हैं। इस आंदोलन में भी 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादतें दी हैं और ये उनकी शहादतों का ही परिणाम है कि ये देश आज बचा हुआ है, आज किसान को बचाया है। मैं भूला नहीं हूँ वो दिन जो एक साल पहले 26 नवंबर के दिन कहें हम खन्नौरी बॉर्डर की तरफ गए थे, हरियाणा में जो पंजाब से लगता है, 30 फुट से ज़्यादा की खाई सरकार ने खोद रखी थी, लेकिन किसान के हौसलों ने उसे 30 मिनट में भर दिया। और ट्रैक्टरों के लिए कोई खाइयाँ नहीं होती और हौसलों के लिए कोई मुश्किलें नहीं होती, ये हमने इस एक साल में पूरा सीखा। प्रबल जी, क्या मिला किसान को और क्या गया कल लेके, और आया था तो कितना दर्द था किसान? देखिए, जब आया था किसान तो वो एक राज्य से उठकर आया, पंजाब से, फिर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश बॉर्डरों पर लोग आए, कुछ लोग हरियाणा बॉर्डरों पर रुके। जब वहाँ से गया है तो पूरे राष्ट्र के किसानों को एक करके गया है, ये पहली ये है। आज किसान अगर कोई है तो उसका बेटा आज फख्र से कह सकता है कि मेरा पिता किसान है,
पहले कोई आदमी शहर या दिल्ली या मुंबई या किसी जगह पे जाता था, वो पूछते थे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो वो कुछ बताता था, कुछ बताता है। आज सीना चौड़ा करके वो गर्व से कहता कि मेरे पिता किसान हैं, आई एम फार्मर, वो पहले कहता है। दूसरी चीज़, इस किसान आंदोलन ने दो चीज़ की। एक, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो किसान कहीं पीछे छूट गया था, आज वो मुख्य धारा में किसान और किसान का इशू आ गया है। किसानों के आंदोलन ने एक काम और किया है, जो 7 वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा था, जो आवाज़ें दबाई जा रही थी, उन आवाज़ों को, दबाई हुई आवाज़ों का आवाज़ देने का काम आज किसान ने कर दिया। किसान ने ये दिखा दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आपके मुद्दे मजबूत हों और आप एकाग्रचित होकर शांति प्रिय तरीके से, गांधी प्रिय तरीके से आंदोलन करोगे, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकना होगा और आपकी बात माननी होगी। ये इस देश के इतिहास के तमाम आंदोलनों में अपना तो इसने नाम लिखा ही दिया, इस देश के तमाम और आंदोलन करने वाले लोग, चाहे वो नौजवान साथी हों, चाहे युवा साथी हों, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो रेल के कर्मचारी हो, चाहे वो अन्य कर्मचारी हैं जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ लामबंद करने की एक सूत्र दे के ये किसान आंदोलन अब जा रहा है, और विश्व भर के आंदोलनों को भी एक रास्ता देकर जा रहा है कि कॉरपोरेट की बनाई हुई नीति, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की बनाई हुई नीतियों को जो सरकारें लागू कर रहे हैं, अगर आप सरकारों को के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो सरकारों को कदम पीछे खींचना होगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई किसानों ने जीती है कि कॉरपोरेट के लाभ के लिए आने वाले लाए गए कानून को किसानों ने वापस कर दिया, और इसके साथ साथ किसान एक जज्बे और जोश के साथ गए। किसान अभी स्थगित किए हैं अपने आंदोलन को, इसका स्वरूप बदला है। MSP गारंटी कानून की लड़ाई अभी हमारी जारी है, अभी टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी अभी बाकी है, उन मुद्दों को लेकर किसान अभी लड़ेगा। अभी तो कुछ दिन की छुट्टी अवकाश पर गया है। उड्डा जी, इन्होंने बात कह दी कि टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी, जो आपको एक लेटर मिला है सरकार से, उसमें टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, किसान लेटरों पे तो भरोसा करता ही नहीं है, सरकार जो ये कानून लेटरों पे क्यों नहीं भरोसा करता, लेटर के चक्कर में 2 दिन आंदोलन की मीटिंग चलती रही, प्रेस वार्ता चलती रही कि कुछ लिख के आ जाए तभी खोलेंगे, क्योंकि इस सरकार ने ही सिखाया बिना लिखे कुछ करना नहीं है। नहीं, वो तो हमने बातचीत के जरिए सरकार से, भाई संविधान के रूप से हमने मांगा है, लेकिन सड़क पर आए थे, यहाँ ये दिख रहा आपको चारों तरफ, भाई संसद ने नहीं सुनी तब तो सड़क पर आए थे, और ज़मीन पर रहकर किसान ने लड़ाई लड़ी है। किसान को अच्छे से पता है ज़मीन में कहाँ तक नमी है, कितनी गहराई तक नमी है, कितने अच्छे से आप खेती कर सकते हो, चाहे आंदोलन की खेती हो, चाहे फसल की खेती हो, चाहे नस्लों की खेती हो। किसान ने एक दूरदर्शिता दिखाई है, और शायद आज दुनिया ये समझ नहीं पाएगी कि इस आंदोलन ने अभी क्या कमाया है। इस आंदोलन ने देश को जगाना सिखा दिया है। पिछले 7 साल से देश चुप था, दबा हुआ था। सरकार कहें, सत्ता पक्ष कहें, विपक्ष कहें, सत्ता पक्ष में भी सांसद तो हैं, चाहे NDA के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी के भी कहें, उनका फर्ज बनता है कि वो देश के लोगों की आवाज़ उठाएं, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे। आज चाहे वरुण गांधी कहें, चाहे सत्यपाल मलिक कहें, ये भारतीय जनता पार्टी से थे, ये लोग निकल के तो आए, और इन लोगों ने एक रोशनी का काम किया कि अभी दिया जलाई जलाई है। पानी आपने देखा होगा शायद, खेती की हो तो किसान को बड़े ध्यान से नहर से पानी देना पड़ता है, पानी की एक धारा जहाँ छोड़ी जाती है तो पानी अपने आप रास्ता बना लेता है, बड़ी सूझबूझ से मिट्टी लगाकर पानी देना पड़ता है। तो सरकार जहाँ सोच रही है कि अभी, अरे कोई नहीं संसद है, अरे अभी तो एक सुराख हुआ है, ये बांध कितनी जल्दी टूट जाएगा, सरकार सोच भी नहीं सकती। हाँ, हमें पता है हमने क्या किया है, हमने इस देश के युवा को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के व्यापारी को, इस देश के कर्मचारियों को एक आशा की किरण दिखाई। आज आप देखेंगे, टिकैत साहब ने कहा बैंकिंग कर्मचारियों के लिए, और लोगों ने कहा कि आए हैं कि हमें बताइए किस लिए, कि यहाँ से एक उम्मीद की किरण है। यहाँ हमारे पीछे बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये इस देश की धरोहर है।
इनको किसान आंदोलन से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ये बता रहे हैं देश में लकड़ी की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। ये कुछ लकड़ियों के लिए ही कोशिशें कर रहे हैं, शायद खाना बनाने के लिए या सर्दी से बचने के लिए। ये देश की सरकारों को सोचना होगा, सत्ताधारियों को सोचना होगा कि ये देश के आपके इस देश का भविष्य है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो चाय बेचते थे तो उनको इन बच्चों में अपना बचपन दिखाई देना चाहिए, उनको इनके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को दोबारा किसी प्रधानमंत्री को चाय बेचकर आना हो। हाँ, लोकतंत्र की खूबी है कि यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी सत्ता मिल सकती है, लेकिन सत्ता पे जाकर आप व्यापारियों के काम करें और उन्हीं गरीबों को भूल जाएं तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात भी एक झूठ बात है कि उन्होंने चाय बेची। अगर उन्होंने चाय बेची होती वो दर्द महसूस करते, क्योंकि जो किसान आंदोलन में लोग हैं कल को अगर ये सत्ता में जाएंगे तो ये दर्द कभी भूल नहीं पाए। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दर्द तो दर्द होता है। देखिए इधर किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, इतनी खुशी है जीत की, इसे कहते हैं जीत। और जब जीत मिलती है आदमी को तो कितने स्तर तक उसका मन प्रफुल्लित होता है, ये साबित करते हैं उसके कारनामे। मैं ये अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर पर ये बैंड बाजे के साथ डांस चल रहा है, और वो बाजे तब बजते हैं जब कहीं खुशी होती है। लेकिन किसान आंदोलन की ये बड़ी खूबी रही कि पूरे किसान आंदोलन बैंड बाजे नृत्य घोड़ा घोड़सवारी ऊँट की सवारी ये सब कौतूहल के विषय बने रहे, और इनसे लोगों को थोड़ी सी हिम्मत मिलती रही। आइए वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि ये लगातार जो डांस हो रहा है उसके बाद आते हैं वापस मुद्दे पर। प्रबल प्रताप जी, कई आरोप लगे खालिस्तानी आंदोलन जीवी पिज्जा जीवी बादाम अखरोट खीर सब कुछ खाया, अब क्या खाओगे घर जाके? हालात तो जस की तस है, खाओगे क्या घर जाके? देखिए किसान और किसान का परिवार, हम लोग तो किसान परिवार से हैं, हम तो वही खाते हैं जो हमारे घरों पे उपजता है। अब मशरूम कोई 20,000 रुपया किलो का खाता है वियतनाम का, वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके बाद कैसे खाएंगे, इस पर चिंता करने की बात है। किसान तो वही खाता है जो उगाता है, लेकिन जो लोग नहीं उगाते थे वो क्या खाएंगे, इस विषय पर आने वाले समय पर सब बताया जाएगा। जिस तरीके से हमारे पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों से हम कहीं डिगे नहीं। ये आरोप इसलिए लगाए गए कि हम रिस्पॉन्स में कुछ कहें। हम पहली बार हमने ये देखा हिंदुस्तान के अंदर कि जिसके हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, वहाँ कृषक जब आए अपनी मांगों को लेकर तो ये सत्ता जो एक ऐसी धारा की सत्ता है जो पूंजीवादी शक्तियों को खासकर अंबानी अडानी के लिए अपने देश की जनता को गालियां दे रही है, अपमानित कर रही है, ये बहुत बड़ी विडंबना थी। और जहां तक आपने एक सवाल ये पूछ रहे थे आप कि इस आंदोलन ने और क्या क्या किया, इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तोड़ने वाली शक्तियाँ थीं आज किसान आंदोलन ने जोड़ने का काम किया। ये जो हमारा कुनबा था जो पूरे देश के किसान बिखरे हुए थे उनको एक करने का काम इस किसान आंदोलन ने किया, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारे की राजनीति हो रही थी उसको बांटने के आंदोलन जो वो कर रहे थे बांटने का काम उसको ख़त्म करके जोड़ने का काम अगर किया तो इस किसान आंदोलन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर लड़े इस आंदोलन में, ये सबसे बड़ी जीत है। यहाँ पर लंगर चले, लंगरों की परंपरा देखी हमने, सेवा भाव देखा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन लंगरों की बहुत बड़ी भूमिका है इस आंदोलन को जिंदा रखने में, जीवित रखने के लिए। इन लोगों से सेवा भाव हमने सीखा है, ये चीज़ें हमारी उपलब्धियां रही हैं। कैसे हम भाषाओं के भाषाई आधार पर हम अलग थे लेकिन हमारा मुद्दा एक था। अभी तो हमने ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी तो एक वर्ष में हमने इकट्ठा किया अपने आप को, अब हमारे आंदोलन की नई शुरुआत होने वाली है। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं किसानों के जिनको अभी हमको एड्रेस करना है, और साथ साथ हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं हमारे साथ आंदोलन में हाथ
साथ साथ आपने 6 महीने तक, मैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 6 महीने तो लगातार इसमें कवरेज किया। अब मैं खुद उसके डिबेटों में पार्ट रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। मैं डिबेट में जब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया भाग गई थी, किसानों के खिलाफ मुहिम चला रही थी, नैरेटिव सेट कर रही थी, उसमें आप समय आप जैसे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि हमारे पर ईडी के छापे पड़ेंगे या सीबीआई के छापे पड़ेंगे या हमारी फैमिली का क्या होगा। आप लोगों ने उस निडरता के साथ, उस डर को ख़त्म करते हुए आप लोगों ने पत्रकारिता को जिंदा रखा। ये इस किसान आंदोलन की जीत है। 28 जनवरी को जब यहाँ पर इधर पुलिस 1500 से ज़्यादा पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे, तो यहीं 150 नौजवान साथी और लोग यहाँ खड़े थे अपना माइक और फेसबुक लाइव, जैसे अभी हो रहा उस समय फेसबुक लाइव कर रहे थे, कैसे किसानों की ढाल बनकर वो नौजवान खड़े थे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस देश के अंदर आप लोगों ने एक लोकतंत्र को बचाने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया तो किसान आंदोलन ने किया, और आप लोगों ने महती भूमिका निभाई। ये बहुत बड़ा तमाचा है इस कॉरपोरेट मीडिया को जो आज तक बस भांडगिरी में उतर गई थी। बिल्कुल आपने बात ठीक की, लेकिन हुड्डा जी बात यहाँ पे टिक गई कि जब 28 तारीख को इसी स्थल पर, वो 28 जनवरी याद करिए, कि आदमी से ज़्यादा बूटों की खनक थी और जब वो बूट बगल से गुजरते थे तो उनकी और गहराई बढ़ रही थी। उस दिन जब आंदोलन बचा था, क्या सरकार जानती थी कि फिर तोड़ पाएंगे? ये सरकार को शायद कहीं गलत फहमी थी कि हम इन बूटों की खनक से डर जाएंगे तब जाएंगे। उधर जैसे ही बूटों की खनक उन्होंने शुरू की, इधर से दूसरी तरफ से बूटों की खनक हो गई। आपने वो दिन भी देखा है 28 जनवरी को कि पूरा भारत एक हो गया। उस रात शायद ही कोई किसान जो घर में था वो सो पाया, जो अपने घरों से निकल सकते थे वो ट्रैक्टर ट्रोलियां लेके निकल पड़े, जिनके पास लठ जड़ी थे वो अपने लाठियां लेकर निकल पड़े। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इनको दबाया तो जा नहीं सकता। और मैं सरकार से ये कहूँगा, सरकार से क्या, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूँगा, क्या उनको थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? अपने देश के लोगों को खालिस्तानी कह रहे हैं। अरे अगर खालिस्तानी है तो आपकी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है भाई। अगर आप अपने देश में खालिस्तानी की पनाह दे रहे हो तो कहीं ना कहीं नहीं, जब खालिस्तानी थे तो माफी क्यों, खालिस्तानियों से माफी मांगी क्यों? नहीं, ये तो मीडिया की बातें हैं, खालिस्तानी माफियां। लेकिन अगर इस देश में खालिस्तानी और माओवादी हैं तो क्या ये सुरक्षा पे सवाल नहीं है? गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सवाल सबसे बड़ा तो ये है, हाँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए क्या जिम्मेदार किसान है? सरकार बताए, गृह मंत्रालय बताए, क्या इसके लिए जिम्मेदार किसान है? ये तो इनकी सुरक्षा में बहुत अभेद चूक है। अगर इस देश में खालिस्तानी है तो वो तो कभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि किसानों ने हमले को बचा दिया। अरे भाई, आप बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए। आपने खालिस्तानी बोला, उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला, तालिबानी बोला, भाई आपने ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग किया? और ये प्रयोग शब्द किसी आम व्यक्ति ने नहीं बोले हैं। आप सुनिएगा, कहें देखे जाएं जो प्रवक्ता हैं इनके या सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, कृषि मंत्री ने भी इस पर कुछ चर्चा की थी, तो वो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या उनका दिमाग दिवालिया हो गया है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अरे भाई, आप अपने ही देश की फौज को, अपने ही देश के अन्नदाता को ऐसा कहोगे, तुम्हारे लिए लड़ेगा कौन, खाना कौन खिलाएगा तुम्हें? भाई इस कौम ने यहाँ पर आकर 1 साल लोगों को खाना खिलाया है और जिस भाव से खिलाया है उसके हम ऋण उतार नहीं सकते। बार बार कहते हैं लाल किला पे चढ़ गए, लाल किला पे। अरे भाई, लाल किला आपके बाप की जागीर है क्या? लाल किले पे दोस्त मेरा भी उतना ही हक है, और जिनको वो आतंकवादी कह रहे हैं ना, इस देश के किसान हैं, उनका उतना ही हक है। अगर मैं लाल किले पे आज जाके कहूँ ना भाई लाल किला हमारा, क्या बात होगी? मुझे पाकिस्तानी बना देंगे क्या? नहीं, इस पूरे नैरेटिव में ये रहा कि जो किसान आंदोलन के साथ मीडिया आई, जो सबको देशद्रोही का एक तमगा मिला। नहीं, किसान ने अपने आप को बचाया, इस देश के नागरिकों ने बचाया, लेकिन मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उन्होंने किसान को क्या दिखाया?
आज क्या वो सोच सकते हैं? नहीं, 28 जनवरी को एक बड़े चैनल पर चर्चा, अगले कुछ ही देर में बस किसान आंदोलन समाप्त होने वाला है, बोरिया बिस्तर बंधने लगा, इसी स्थल से गाजीपुर के इसी से एक बड़े एंकर ने घोषणा कर दी थी। एक बड़े चैनल पर नहीं, बहुत से बड़े चैनलों पर। लेकिन क्या आज उन पत्रकारों की पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठ रहा है? आगे से मैं देखूंगा, भाई हम भी समझदार लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, आगे से मैं ये देखूंगा उन पत्रकारों ने कहाँ से डिग्रियाँ ली हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाना है, ताकि मैं उनको उन स्कूलों में, उन यूनिवर्सिटीज़ में ना भेज पाऊँ जहाँ से वो पढ़ कर आए। ये शायद उनको एहसास नहीं है, हो सकता है कुछ पैसों के लिए या कुछ अपनी चीज़ों के लिए या कुछ थोड़े समय के नाम के लिए उन्होंने कर दिया, लेकिन जहाँ से वो पढ़ कर आए हैं, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए हैं, उसकी गरिमा को कितना ठेस पहुँचा होगा, क्या उन्होंने सोचा? आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा एक परिवार है, समाज है, गाँव है, किसी स्कूल से मैं भी पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़े होंगे। क्या आप चाहेंगे उस स्कूल का ही नाम खराब हो? क्या हम चाहेंगे भारत देश का नाम खराब हो? इस भारत देश का नाम खराब किसने किया? और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी सत्ता के सत्ताधारी वही लोग हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगा हटाने की उनको, लेकिन कितना हटा पाऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस आंदोलन ने हमें एक चीज सिखाई है, आप सत्य के लिए लड़ो, जीत समय लगेगा, जीत जरूर होगी। हाँ, जीत जरूर होगी। हो सकता है वो जैसे भगत सिंह नहीं देख पाए, मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, आने वाली पीढ़ियाँ देख लेंगी, लेकिन सत्य जीतेगा जरूर। आपने कहा कि सत्ताधीशों को हटाने का प्रकल्प, उत्तर प्रदेश में चुनाव, पंजाब में चुनाव, उत्तराखंड में 5 राज्यों में चुनाव है, और कुछ लोगों का कहना भी यही है कि चुनाव के दबाव में ये आंदोलन सरकार ने विड्रो किया लगातार। मैं एक मिनट में आऊंगा आपके पास, जरा मैं चाहूंगा अरुण ये जरा दिखाना, ये लोग कैसे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये जो विदाई ले रहे हैं, ये तिरंगा साथ लेकर जा रहे हैं, साथ लेकर आए थे, बता रहे हैं कि तिरंगा लेकर आए थे और तिरंगा ही लेके जाएंगे। ये ट्रक्स कुछ गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं तिरंगा लेके और बड़े खुशी से, खुश मिजाज नारे लगाते हुए ये विदा ले रहे हैं। फिर मुद्दे पे आते हैं हुड्डा जी के पास। हुड्डा जी, ये पूरा घटनाक्रम वहीं आके टिक गया कि आपने कहा सत्ताधीश, भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन सत्ता का परिवर्तन का खेल है, अब चुनाव है तो क्या सत्ता जा रही थी इसलिए सत्ता परिवर्तन के खेल के चलते इन्होंने आंदोलन वापस किया? ये तो सरकार जाने किस डर से किया, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाए थे, तो फिर क्या वापसी अब सत्ता बचाने के लिए? नहीं, उनके आरोप से हम डरे नहीं ना, उनके आरोप से हो सकता है कुछ लोग उनकी तरफ हो गए हों, चाहे मैं सांसद कहूं या मीडिया के लोग कहूं, हम नहीं डरे। आज क्या कहेंगे, अभी आपने कैमरा घुमा के दिखाया, ये लोग तिरंगा लगाए हुए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही सरदार हैं, ये क्या है आज, आज भी तो ये तिरंगा लगाए जा रहे हैं। तो अपने ही लोगों को अगर देश पर हमला हो जाए तो मोदी अकेले लड़ेंगे क्या? मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, जरा अरुण ये दिखाना, जिस देश में आंदोलन को रोकने की और जहां सब कवायदें होती हों, वहां आम गरीब आदमी लड़ रहा है एक पॉलोथिन के लिए, आंदोलन जाने की फिक्र उसे नहीं है, उसे फिक्र है कि एक हमें पन्नी मिल जाती जिससे जाड़े में हम अपनी छत पर डाल के अपनी ठंड रोक पाएं। बच्चे ले जा रहे हैं बांस उठा के, उन्हें चिंता है एक बांस ले जाने की, ये है इस देश की असलियत। इस असलियत पर अगर हमारे नेता जरा भी फिक्र कर लेते तो हम जरूर विश्वगुरु बनते, लेकिन हम उसी बांस के लिए लड़ रहे हैं जिस बांस से आदमी का अंतिम संस्कार होता है, और आज उस बांस की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि भीषण ठंड का मौसम आ रहा है तो कोई अपनी झोपड़ी पर लगा लेगा, कोई अपनी छत पर कुछ लगा लेगा, इस एक एक पन्नी के लिए जहां झगड़ा होता हो उसे हम एक विकसित भारत का रूप कैसे दे रहे हैं? कौन है वो लोग जो आम जनता की बात ऊपर तक नहीं जाने देते या ऊपर वाले उस जनता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं और बताते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, विकास की नदियां बहा दी, कहां है वो विकास, हम खोजते घूम रहे हैं, मिला कहीं नहीं है, किसी को नहीं मिला। हुड्डा जी, एक पॉलिथिन के लिए जद्दोजहद दो महिलाएं कर रही हैं, ये तो सोचना चाहिए ना देश के सत्ताधारियों को। अरे ये देश जो है वो भी जली हुई पॉलिथिन है, उसमें है कुछ नहीं, तो आप देश में ये उनको दिखाइए ना, वो दिखाते हैं भारत भारत भारत, विकास विकास, ये उत्तर प्रदेश में बैठे हैं हम,
उत्तर प्रदेश में चुनाव और है। सबसे उस बड़े शहर में बैठे हैं जो बड़ा शहर माना जाता है, गाजियाबाद और नोएडा, इसके बाद तो सब पीछे रह जाते हैं। और ऐसे उस प्रदेश में क्या दिखाते हैं, दिल्ली में पूरे बोर्ड लगे हुए हैं नंबर वन, कहाँ से नंबर वन, क्या सड़कों से नंबर वन होता है देश? ये जो बच्चे हैं क्या इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इनको अच्छी रोटी मिलनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इनका रोजगार पर हक नहीं है? क्या चाहते हैं दिल्ली के सत्ताधारी लोग? मैं उड्डा जी यहाँ रोकूंगा आपको, मैं तो एक 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक प्रोग्राम चला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा हो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीन मुद्दे पर चुनाव ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी उसमें सहभागिता करें, क्योंकि जब प्रदेश या देश का चुनाव इन तीन मुद्दों पर होगा तो फिर हमें किसी धार्मिक उन्माद में नहीं बहना होगा। हमें हिंदू हैं, पूजा करते हैं, जो लोग करते हैं उससे मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उस पूजा से हमें मन की शांति मिलती है, लेकिन पेट की शांति तो रोजगार से मिलेगी। हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसे शिक्षा से मिलेगी, और जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें एक अस्पताल की ज़रूरत है तो हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों मुद्दों पर ले जाने के लिए क्या आप लोग सब मिलकर साथ दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। अरे किसान तो हर चीज़ में साथ देगा, किसान का कहाँ काम था ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटना, लेकिन उसने बांटा। अब किसान का कहाँ काम है कि ये बैंकिंग और इन चीज़ों की लड़ाई लड़े, लेकिन वो लड़ेगा। किसान देश के साथ खड़ा है। और मोदी को ये कहीं भ्रम है, मैं गलती कहूँगा उसकी, जो दोबारा उसने सत्ता ली है। आप दोबारा 5 साल चुन के आए हैं, दोबारा 5 साल क्यों चिपके हुए हैं भाई कुर्सी से? आपको इस देश में ऐसे काबिल लोग पैदा करने चाहिए कि काबिलियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ये लोग बड़े होंगे, ये बच्चे जो आज हैं, अगर हम इनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ये देश में कहीं आगे जाएंगे, ये भी ऐसे गद्दी पर पहुंचेंगे, ये क्या देश का विकास करेंगे? क्यों ना हम इनको शिक्षा दें? तो मोदी को ये चाहिए। आज हम क्रिकेट के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, अरे कुछ 11-12 देश क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी वर्ल्ड कप नहीं ला पाते, और उस पर चल रहा है पता नहीं क्या क्या, कितना BCCI, कहीं बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, सीधा कहूँ अमित शाह का बेटा उसमें कुछ बना रखा है, सचिव है शायद, तो वो दुबई जाके मैच देख रहे हैं, पिचों पे पानी फेंका जा रहा है, और फिर भी आप वर्ल्ड कप नहीं ला पा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? बस पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी हो, दिल्ली में ऐड लगे, देश है नंबर वन। कहाँ से नंबर वन है भाई? कहाँ से कोरोना है? इन बच्चों ने मास्क नहीं लगाया, इन गरीबों ने नहीं लगाया, इनकी कोरोना के नाम पर आपने रोटी छीन ली। कॉरपोरेट के सहारे आप सरकार बना रहे हैं। कॉरपोरेट के कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति? क्या आप इस देश को उन 4 व्यक्तियों के हाथों में बेच देंगे? लेकिन किसान नहीं बिकने देगा। आपने कोशिश तो पूरी की है, हो सकता है किसान को कुछ समय लगे आपको सत्ता से बेदखल करने में, लेकिन किसान कोशिश जारी रखेगा। आज भी यही वही भारत है जो ब्रिटिश काल में था। ये किसानों ने बता दिया, हमारे अंदर आज भी लड़ने की ताकत है, हम भारी ताकतों से भी लड़ सकते हैं। कोई ये ना समझ ले कहीं कहीं ये जो नरेंद्र मोदी बार बार देशभक्ति दिखा रहे हैं, अरे लड़के दिखाए एक बार बॉर्डर पर, बताए नरेंद्र मोदी कितने हैं उनके परिवार से, हमें पता है। हमें अपनों से भी गद्दारों से कहते हैं, हमसे ज़्यादा तो देशभक्त नहीं हो सकता, हमसे ज़्यादा देश प्रेमी नहीं हो सकता, हमसे बड़ा देश प्रेमी और देशभक्त नहीं हो सकता, इसके लिए क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि लड़के दिखाएं सारी चीज़, कह रहे हैं हमने देश को बदल दिया। कंगना रनौत कह रही 2014 में देश स्वतंत्र हुआ है। सारी चीज़ों का एक ही जवाब, उनका काम झूठ बोलना है। अब देख लो उन्होंने क्या क्या बोला है भाई, उन्होंने झूठ बोलने की डिग्री ली है, कहाँ से लिया मुझे नहीं पता। अरे देश में आप झूठ बोलिए यार, जरूरी है आपको सत्ता में? अगर उनको झूठ बोलने का इतना शौक था, क्या सत्ता में आना जरूरी था? मार्केटिंग की नौकरी करते कहीं, किसी कॉरपोरेट के साथ जॉब कर लेते, देश को इस आग में झोंकने की जरूरी क्या है? लेकिन मैं किसानों की तरफ से आपको वायदा दिलाता हूँ कि बाहरी ताकत भी कोई देश की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकता जब तक ये किसान है। जिस पंजाब की ये कहते हैं, जिस पंजाब में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, ये जो क्षेत्र आता है पुराना पंजाब कहूँ, ये आज भी वही पंजाब है। इनको जैसे ही आप दमन करोगे ये अपने आप उठने लग जाएंगे। और सरकार को बता दूँ,
हम 700 शहीद होते हैं तो 7 लाख पैदा हो जाते हैं। इनको आप मार के नहीं कर सकते। इनसे तो सत्यपाल मलिक जी ने ठीक कहा था, किसानों को खुश करके राजी खुशी भेज दो, क्योंकि यही एक तरीका था जो आप किसानों से जीत सकते हो। अन्यथा इनको अगर आप 3 को मारोगे तो ये 300 पैदा होंगे। इनको आप ऐसे लड़के कभी खत्म नहीं कर सकते। शायद मोदी को किसी ने समझाया और तभी उसको पता चला, और आज तो पूरे देश को, विश्व को पता चल गया है कि भाई ये वही पंजाब है, वही संयुक्त भारत है। प्रबल जी, आंदोलन हुआ, आंदोलन से कई चीजें जन्मी, आंदोलन में कई का कुछ खोया, कई लोगों ने बहुत कुछ पाया, जिनके परिजन यहाँ दम तोड़ गए उनका सब कुछ जा चुका है, किसान घर भी जा चुका है, लेकिन आंदोलन कई अपने निशान छोड़ के जाएगा। निशान क्या होंगे? पहला निशान होगा, इस इलाके को बहुत दिन अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा जगमगाहट और ये सब बंद हो जाएगी। पुलिस आज बेपरवाह हुई है, पहले दिन नाक में दम थी। आंदोलन निशान छोड़ के जाएगा, यहाँ की आसपास के जो मीडिया बंधु थे, जो लगातार इस प्रोग्राम को ब्रीफ कर रहे थे सच से, दिक्कत उन्हें भी है जो झूठ से परोस रहे थे खबरें यहाँ से कि आंदोलन कुछ नहीं है और ये नहीं होगा, बिल किसी कीमत पर वापस नहीं होंगे, आज वो भी सब, ये सब चीज मैटर अलग करता है। लेकिन अब किसान घर वापस जा रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हुए, बिल वापस कर दिया, मोदी ने माफी मांग ली, तो क्या अब आप भाजपा के लिए काम करोगे? सवाल ये है कि यहाँ से आपने कहा कि यहाँ निशान छोड़ के जाएगा, मैं कल आपको बताऊँ, कल मंच के पीछे कुछ बच्चे थे जो इन झुग्गियों में बैठे थे, वो कल रो रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि उनको यहाँ पर भोजन 1 साल से प्रतिदिन मिल जाता था, अच्छा भोजन मिलता, अच्छा भोजन, न्यूट्रिशन भोजन मिल जाता था मनपसंद। उनको चिंता ये थी कि कल के बाद हमें भोजन कैसे मिलेगा। आज आपने देखा ये टेंट हमारे पीछे था, ये बच्चे आए हमसे कहा कि अंकल क्या हुआ, तो मैंने कहा कि भाई ले जाइए, कोई बात नहीं। ये जो है, ये स्थिति दिखाती है कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी ज़्यादा अभी भी गुर्बत और गरीबी है। हमें लड़ाई इससे लड़नी है। ये किसान आंदोलन ने एक चीज़ दिखाया है कि भोजन भी कराने का काम किसानों ने किया। जब यहाँ लॉकडाउन लगा, जब दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार ने अपने हाथ खींच लिए, यहीं आपके आनंद विहार बस स्टेशन पर जब मज़दूरों का पलायन शुरू हुआ, तो यही किसान आंदोलन अपने लंगर चलाकर वहां पर लोगों को पूरी सब्जी और भोजन कराने का काम अगर किसी ने कहा किया तो उन्होंने ये भी कहा, किसान आंदोलन ने, गाजीपुर बॉर्डर ने, कि जिनके पास वहां जाने की क्षमता ना हो, ना जा पा रहे हो, वो भाई आएँ यहाँ पर रह लें, टेंटों में वहाँ रह लें। कौन करेगा? किसके पास इतना बड़ा हृदय है? वो हृदय इस देश के किसानों के पास है और किसी के पास नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए इन किसानों से। और जहाँ तक आपने भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात किया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसान आंदोलन में आके मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और मैंने संकल्प किया था किसानों को लड़ाई जिता के जाऊँगा, और मैंने लड़ाई जिताई है उनको, एक और भी आरंभ किया है। मैं इसमें वर्तमान में मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली का भी, और मेंबर हूँ संयुक्त किसान मोर्चा का। अब तो लड़ाई शुरुआत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो मैंने एक, जो मेरे अंदर गिल्ट थी, जो एक मेरे अंदर भावना थी कि एक मेरे मुझसे गलती हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उस पाप से मैं मुक्त हो गया हूँ। और मैं जनता से भी कहता हूँ कि आज 1 वर्ष के बाद मेरा दिल हल्का हुआ, मेरी आत्मा हल्की हुई है कि मैं जिस पाप के बोध में, अपराध बोध में जी रहा था, वो अपराध बोध समाप्त हो गया, कि मैंने एक इसका इतिहास भी बना, गवाह भी बना, और मैं इसमें शामिल भी रहा। हमने बहुत सारे अपमान सहे, हमने बहुत सारी इनकी बातें सुनी, डिबेटों में हम जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा हम। अरे आप तो उनकी बात करें, सामने सामने हुई, फिर झड़प हुई हमसे, क्योंकि हम सही थे, उन्हें चुप कराया, हम चुप हो जाओ। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सपने में, इस जन्म में क्या, अगर 7 जन्म बाद भी अगर हम जन्म लें, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो देश के विरोध में काम करती हो, जो जनता के विरोध में काम करती हो, उसके लिए कोई काम, वोट क्या, काम काम क्या, वोट क्या, उसके लिए कोई बात भी करना पाप होगा।
हुड्डा जी, अंतिम सवाल हुड्डा जी, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं लोकदल के, चुनाव सर पर है, क्या रहेगी भूमिका लोकदल की? लोकदल आज भी उन्हीं चीजों पर चल रहा है जिस चीजों को लेकर चौधरी साहब ने इसको शुरू किया गया। लोकदल की मंशा देश को अच्छा राजनीतिक विकल्प देने की है। आज कहें जो मुलायम सिंह जी कहें, नीतीश कुमार जी कहें, लालू यादव जी कहें, हरियाणा में देवीलाल परिवार जो कहें, इनको जिनको भी आज राजनीति में चाहे सत्यपाल मलिक जी भी कहें, वो आज भी कहते हैं मैं लोकदल, क्योंकि लोकदल एक विचारधारा है और ये लीडर्स को पैदा करने की। हम आज भी समझौता नहीं कर रहे, शायद इसलिए हम सत्ता में भी नहीं है, क्योंकि आजकल झूठे लोगों की सत्ता है। तो मेरा विचार आज भी यही है, लोकदल लेके आएगा तो अच्छे लोगों पर लेकर आएगा, नहीं तो वो सत्ता में आएगा ही नहीं। उसका काम किसान कामगार के लिए काम करना है। ये लोकदल इस देश को किसानों की राजनीति चलाने का एक विकल्प है। तो मैं देश के कहूँगा कि आप लोकदल से जुड़े और ये जो किसान आंदोलन अभी हुआ है एक साल, ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसके लिए किसान जमीन से उठा हुआ व्यक्ति वो आगे आए ताकि मेरा देश अच्छे से चले, मेरे देश का किसान खुशहाल हो, जवान खुशहाल हो, युवा खुशहाल हो। तो ये थे हमारे साथ लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदीप हुड्डा जी। हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरे आंदोलन को डिटेल में बताया, कहां से शुरू हुआ था, कैसे बूटों की खनक के सामने जब रात को 11 बजे इनके बूटों की खनक बढ़ी तो उन बूटों की खनक हल्की हुई थी और आंदोलन को पुनर्जन्म मिला था, वो थी 28 जनवरी की रात। उसके बाद लगातार कई बार ऐसी घटनाएँ आई, वो चाहे सिग्गू बॉर्डर के रेप की घटना रही हो या फिर मलंग समुदाय के द्वारा एक आदमी की नरसंस हत्या या लखीमपुर खीरी का किसानों का कुचला जाना, हर मोड़ पर किसान ने आंदोलन पर लग रहे आरोपों को झूठा साबित किया। और वो आरोप आज सच साबित हुए जब एक बार प्रधानमंत्री कहते थे कि ये किसान बिल किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लाए गए हैं और इन बिलों में कहीं कमी नहीं है, और फिर एकाएक एक दिन सुबह ही 8 बजे आते हैं लाइव और घोषणा करते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं अपने बिल किसानों को समझा नहीं पाया। और उसके बाद शुरू होती है किसान आंदोलन की वापसी की वो रणनीति जिसे बराबर सरकार देख रही थी। क्या इस पर उत्तर प्रदेश चुनाव की काली छाया पड़ चुकी थी? आंदोलन से उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में बागडोर निकलती दिख रही थी? ये कई सवाल बने हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपी के चुनाव में विपक्ष की रैलियों में बढ़ता सैलाब भाजपा की रैली से ज्यादा, सोशल मीडिया पर भी लाइव में संख्या बढ़ती ज्यादा, सवाल कई बने हुए हैं। मार्च में किसके हाथ होगी उत्तर प्रदेश की सत्ता, ये तो मार्च तय करेगा, लेकिन किसान आंदोलन ने इस देश को नहीं विश्व को एक नई गति दी है। जहां एक जाने माने लेखक साहित्यकार ने एक लेख लिखा है कि आपको सीख लेनी होगी पूरे विश्व के समुदाय को कि भारत के किसान आंदोलन ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं शिव कुमार मिश्रा, मैंने कोई इस देश में आंदोलन नहीं देखा। जेपी का जब आंदोलन 75-77 में हुआ उस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म सन 75 का है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अन्ना का आंदोलन हुआ था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, वो सारे भ्रष्टाचार से आज कांग्रेस पार्टी बरी हो चुकी है और उस पर एजी विनोद राय जी अब माफ़ी मांगते भी नज़र आ रहे हैं। तो वो आंदोलन भी हमें एक झूठ के दीवारों पर खड़ा दिखा, लेकिन इस आंदोलन को मैंने पहले दिन से कवर किया और कल समाप्त हुआ तब भी कवर किया, आज समाप्ति का दूसरा दिन है। इधर आपको दिखाया था अभी कि मंच खुल चुका है, पूरा साफ हो चुका है, जिंदाबाद भारत जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग तिरंगा हाथ में थामे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। वो सीन भी दिखाया था, वो सीन भी दिखाया था जो डांस हो रहा था, डांस अब भी लगातार जारी है, बाजे बज रहे हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि किसान यहाँ से उस भारी मन से गया है क्योंकि उसे MSP नहीं मिली।
एमएसपी भी उसका मुख्य मुद्दा था। एमएसपी पर अभी बातचीत जारी है और सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है वो है बड़ी बात ये कि आंदोलन स्थगित हुआ है ना कि समाप्त। समाप्त होना एक अलग बात होती है, इसका ठीक एक महीने बाद रिव्यू होगा और उस रिव्यू में कहीं सरकार की कोई खामी मिली तो ये फिर आंदोलन शुरू होगा। लेकिन आंदोलन अब इस स्तर पर होगा कि किस स्तर पर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये आंदोलन देश को एक नई दिशा और नई दशा दे गया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे क्योंकि समय हो चुका है, फिर जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। कल फिर हम एक बार इसी स्थल पर आएंगे गाजीपुर पे और दिखाएंगे कितने लोग अभी बाकी हैं। शाम 8 बजे का शो हमारा देखना मत भूलिए कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चुनाव होना चाहिए या धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और अन्य मुद्दों पर, तय आपको करना है। क्या स्वीकार करेंगे? रोजगार अपने बच्चे को, अपने परिवार को लेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य अपने परिवार को हासिल करेंगे, या फिर हासिल करेंगे सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान, चचा जान भाई जान, आपको तय करनी है अपनी दिशा और दशा। नमस्कार।